आप देख रहे हैं एस न्यूज, खबरें हर पल की। नमस्कार, आप देख रहे हैं एस न्यूज और आपके साथ मैं हूं साक्षी। और आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। जासूसी में फंसाए गए भारतीय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले के बाद पाकिस्तान का वो झूठ बेनकाब हो चुका है जिसके तहत वो भारतीय नागरिक को जासूस साबित करने की हरकत करता रहा। पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव से पहले भी ऐसे कई मामले हुए हैं जिनमें पाकिस्तान जबरदस्ती पकड़े गए भारतीयों को जासूस साबित करने में हर हथकंडा अपनाता रहा। पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव को बचाने में जुटी भारत सरकार को बड़ी जीत हासिल हुई। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने भारत सरकार के आग्रह को स्वीकार करते हुए पाकिस्तान की सैन्य कोर्ट की तरफ से जाधव को दी गई फांसी की सजा पर फिलहाल रोक लगा दी है। साथ ही पाकिस्तान को वियना समझौते का पालन नहीं करने पर फटकार लगाई है और आदेश दिया है कि भारतीय राजनयिकों को जाधव से मिलने की इजाज़त दी जाए। अयोध्या जमीन विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। मध्यस्थता कमेटी की रिपोर्ट देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने मध्यस्थता कमेटी को 31 जुलाई तक का वक्त दिया है। इसके बाद 2 अगस्त को दोपहर 2 बजे ओपन कोर्ट में सुनवाई होगी। 2 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगा कि इस मामले का हल मध्यस्थता से निकाला जाएगा या रोजाना सुनवाई होगी। बता दें कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद मामले के एक पक्षकार गोपाल सिंह विशारद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता कमेटी से रिपोर्ट तलब की। गुरुवार को मध्यस्थता कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की। इस प्रगति रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने देखा। रिपोर्ट देखने के बाद बेंच ने मध्यस्थता कमेटी को 31 जुलाई तक का वक्त दिया है। इसके बाद 2 अगस्त को ओपन कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। माना जा रहा है कि 2 अगस्त को भी सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता कमेटी से प्रगति रिपोर्ट तलब कर सकती है। इस प्रगति रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगा। मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड और लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद को पंजाब प्रांत से गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने आतंकवादियों को आर्थिक मदद देने के आरोप में हाफिज पर यह कार्रवाई की है। उसे पहले भी कई बार गिरफ्तार किया गया था लेकिन अदालतें सबूत न मिलने से हवाला देकर उसे छोड़ती रही। लश्कर-ए-तैयबा का प्रतिबंधित राजनीतिक संगठन जमात उत दावा के प्रवक्ता नदीम अवान ने कहा है कि सईद को लाहौर के अति सुरक्षित कोर्ट लखपत जेल में रखा गया है जहां पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भ्रष्टाचार के मामले में सजा काट रहे हैं। अवान ने कहा उनके खिलाफ सारे केस चंदा इकट्ठा करने को लेकर हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने चंदे से जमा पैसे का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों में किया है। अवान ने कहा है कि सईद की जमानत का आवेदन जल्द दायर किया जाएगा। उसने कहा कि हम हाईकोर्ट जा रहे हैं, हम अपने ऊपर हुए अन्याय के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। सामूहिक हनुमान चालीसा के पाठ में शामिल होने पर 3 तलाक की याचिकाकर्ता इशरत जहां को घर खाली करने का निर्देश के साथ जान से मारने की धमकी भी मिल रही है। जानकारी होगी मंगलवार को हावड़ा में डबसन रोड पर संकट मोचन हनुमान मंदिर में इशरत जहां शामिल हुई थी, जिसके बाद इशरत जहां को घर छोड़ने की धमकियां मिल रही हैं। जानकारी के मुताबिक इशरत जहां को घर खाली करने का फरमान भी जारी कर दिया गया। वहीं जानकारी के मुताबिक ये भी पता चला है कि पश्चिम बंगाल में मुस्लिम महिला इशरत जहां के हनुमान चालीसा पाठ में हिस्सा लेने पर बवाल मचा हुआ है। इशरत जहां 3 तलाक केस में याचिकाकर्ता भी हैं लेकिन अब उनका गुनाह कुछ लोगों की नज़र में है और ज़्यादा भी बढ़ गया। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता इशरत जहां को एक हिंदू धार्मिक समारोह में भाग लेने के लिए हावड़ा में अपने मकान मालिक द्वारा कथित तौर पर अपना घर खाली करने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा कि मेरे घर के बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई है और मुझसे पूछा कि मैं हिजाब पहनकर हनुमान चालीसा कार्यक्रम में शामिल होने क्यों गई। दिल्ली के DTC बस में एक लड़की का डांस वायरल होने के बाद हंगामा मच गया। सोशल मीडिया पर ये वायरल वीडियो जब DTC बस के मैनेजमेंट के पास पहुंचा तो इस वीडियो में शामिल ड्राइवर को सस्पेंड कर दिया गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो में लड़की सपना चौधरी के गाने तेरी आँखियाँ गायो काजल पर ड्राइवर, कंडक्टर और मार्शल के साथ कर
डांस कर रही थी। और इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि लड़की डीटीसी बस में यात्रियों के सामने भी डांस कर रही थी। इस डांस का वीडियो शूट किया गया। वीडियो सिर्फ बस में ही नहीं बल्कि बस के बाहर भी बनाया गया, लेकिन ये वीडियो डीटीसी स्टाफ को भारी पड़ गया। वीडियो में एक लड़की एक गाने पर ड्राइवर, कंडक्टर और मार्शल के सामने डांस कर रही थी। लड़की का वीडियो वायरल होने के बाद स्टाफ को सस्पेंड कर दिया गया है। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए एस न्यूज। आप देख रहे हैं एस न्यूज, खबरें हर पल की।